आज हम बात करते हैं अपने दूसरे मॉडल के बारे में, जो एसएल एनर्जी का दूसरा मॉडल मार्केट में आया है। इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि इसके अंदर भी सेम ऐसे ही कुछ छोटा सामान रखने के लिए एक आगे बास्केट दी गई है, जिसमें आप छोटा सा सामान इसमें रख के आप चल सकते हैं। इसके अंदर यही सेम लाइट है, जिसे आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये चाबी से ऑफ हो जाएगी, चाबी से ही ये ऑन हो जाएगी। ये लाइट का फंक्शन इसका कुछ ऐसा है। साथ ही साथ इसमें दो फ्रंट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट के लिए। इसमें वही दो ब्रेक्स हैं, ये इसका इंडिकेटर पॉइंट है। इसमें ये हॉर्न की सुविधा दी गई है, साथ ही साथ मोबाइल चार्ज करने की सुविधा इसमें दी जा रही है। यहाँ पे आप इसके अंदर डाटा केबल लगा करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये फ़ोन चार्ज आप लगा करके इसमें नेविगेशन भी चला सकते हैं, मैप भी चला सकते हैं। फ़ोन आप इजीली यहाँ पे अपना हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर ये इसका ऑडोमीटर है, जो कि बैटरी के बारे में आपको इंडिकेशन देता रहेगा कि बैटरी चलती कितनी है। ये इसका इंडिकेशन है, जहाँ पे बैटरी के सारे जितने भी इसके बार्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये आते रहेंगे। कम होती रहेगी तो माइनस चला जाएगा, नहीं तो प्लस में एज इट इज़ ये रहेगा। इसके दो ब्रेक्स फ्रंट और बैक का इसके ब्रेक्स हैं। दोनों के दोनों ब्रेक्स कंपनी ड्रम ब्रेक्स देती है, जो कि बाइक में आते हैं, वो सेम इसके ब्रेक्स हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो पैडल है, लेग स्पेस के साथ जो इसमें पैडल है, ये पैडल बूस्टर पैडल्स इसके अंदर हैं। अगर आप विदाउट एक्सेलरेट करें गाड़ी को, विदाउट एक्सेलरेट करे भी अगर आप पैडल का इस्तेमाल करते हो, तो गाड़ी अपने आप ही बूस्ट होकर के आगे की तरफ चलेगी, जिससे इसकी जो रेंज है वो रेंज इससे काफ़ी बढ़ जाती है। अभी जो कंपनी इसकी रेंज बताती है, वो करीबन एक बार चार्ज करने के बाद 70 से 80 किलोमीटर बताती है, लेकिन अगर आप पैडल बूस्टर्स का इस्तेमाल करोगे तो ये जो इसकी रेंज है वो करीबन 90 से 100 किलोमीटर आराम से चली जाएगी। इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड इसकी लगभग 40 से 45 की स्पीड पर आप इसे नॉर्मल स्पीड पर चला सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप जब पीछे सीट पे इसके ये पैर रखने के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं कि आप इसमें पैर रख करके इजीली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अंदर टोटल 6 शोकर्स कंपनी देती है। 2 फ्रंट शोकर्स कंपनी दे रही है, 4 2 इधर 2 उधर। हैवी लोड के लिए कंपनी ने ये 4 शोकर्स पीछे लगाए हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, एक बार में इसमें आप 200 से 250 किलो वज़न आराम से उठा करके ले जा सकते हैं। 3 स्पेस इसमें आप रख सकते हैं, आगे बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ छोटा सामान हो तो लेग स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये आप सीट देख रहे हैं, ये सीट इजीली लोडिंग के लिए आप इसे अनफोल्ड कर सकते हैं और ये लोडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप इस पर करीबन 200 किलो वज़न ईजीली रख के आप चल सकते हैं। अगर आप इसमें किसी बच्चे को बिठाना चाहो तो ये इसकी जो सीट है बाहर आ जाएगी। ये सीट ऐसे फोल्ड होने के बाद बच्चा आप इस पर आराम से बिठा सकते हो, ताकि उसके बैक में सपोर्ट रहे। इसकी जो कंपनी वारंटी देती है, 10 साल इसका पूरा फ्रेम वारंटी कंपनी ने दिया हुआ है। जितना भी पार्ट इसमें लगा हुआ है, 10 साल की फ्रेम वारंटी है। साथ ही साथ इसकी जो ये लिथियम आयन बैटरी हम दे रहे हैं, इसकी 2 साल की फ्रेम वारंटी है। ये 2 साल की इसकी लिथियम आयन बैटरी की वारंटी कंपनी देती है। साथ ही साथ इसके जो वायर्स हैं, इनकी 1 साल वारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सेम ऐसे ही फीचर्स इसके अंदर हैं। रिमोट से अगर आप इस गाड़ी को लॉक करते हो, लॉक करने के बाद अगर इस गाड़ी को कोई छेड़ता है तो इसके अंदर एक अलार्म बजेगा और इसका जो पीछे का टायर है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, और उसे अनलॉक करने के लिए आपको दोबारा से रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर कंपनी 3 चाबियाँ देती है, जिसमें एक आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा पीछे के टायर लॉक के लिए। ये जो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है, ये टायर लॉक का ऑप्शन दिया गया है। इस चाबी से आप टायर को लॉक कर सकते हैं, ये टायर लॉक हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो तीसरी चाबी दी गई है, वो आप इस बैटरी को बाहर डीअटैच करके अपना चार्ज कर सकते हैं घर पे ले जा करके। ये बाहर निकल जाएगी बैटरी, और नॉर्मल एक लैपटॉप चार्जर की तरह इसका चार्जर आता है, ये चार्जर पॉइंट है। ये चार्जर पॉइंट पर आप इसे ईजिली चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग जो कॉस्ट इसकी कंपनी अभी बताती है, वो बताती है 2.5 से 3 रुपये। 3 रुपये के आसपास इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। आप इसे 1500 बार आप इसे चार्ज कर सकते हैं, 0 to 100%। 1500 बार ये चार्ज होगी, और 1500 बार चार्ज होने के बाद कम से कम 90 किलोमीटर ये चलेगी। इसकी जो चार्जर इसका कंपनी ने दिया है, बिल्कुल लैपटॉप नुमा चार्जर इसका कंपनी प्रोवाइड कराती है। ये इसका चार्जर है, ये इसका अडेप्टर है,
और ये चार्जर आप इसे इजीली भी कैरी भी कर सकते हैं और इसे कहीं भी अपने बैग में भी रख सकते हैं और इसे कहीं भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी को लगा करके। ये रिमोट ऐसा ही बिल्कुल जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, सेम ऐसे ही इसका रिमोट आता है जिसके अंदर लॉक, अनलॉक, स्टार्ट और अलार्म की सुविधा कंपनी देती है। दो रिमोट आपको चाबी के साथ इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। साथ ही साथ इसमें पीछे एक रेडियम प्लेट जिसमें रोशनी जलती है और ये इसमें इंडिकेटर्स कंपनी ने इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ इसके इंडिकेटर्स। ये इस तरीके से ये और ये सब जलेगा और ब्रेक लाइट भी इसमें कंपनी प्रोवाइड कराती है। धन्यवाद।